गर्मियों में आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं ना फ्रेंड्स। सभी के बाल गर्मियों में झड़ते हैं, बट एक स्पेशल सा रेमेडी यूज करके आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और बालों की लंबाई को कमर तक लंबा कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर ही आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं, बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बालों का झड़ना एकदम कम हो गया है। बस आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड ये बहुत ही आसान सा रेमेडी होने वाला है। आपके भी बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे, घने भी होंगे, मोटे और मजबूत भी होंगे, बालों का झड़ना एकदम ही रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, इन सारे ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रखे हैं, बिल्कुल रूखे हो रखे हैं, तब भी आप इस रेमेडी को यूज करके आप अपने बालों को परफेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लोहे का बर्तन आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर लोहे का तवा ले रही हूँ एंड इस पर मैं डाल रही हूँ नारियल का तेल। फ्रेंड्स, नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्पेशली गर्मी सीजन में। ठीक है, गर्मी ऋतु में हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है नारियल का तेल। गर्मी के मौसम में कई बार हम तेल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। बट फ्रेंड्स, आप इस चीज को अगर इग्नोर करते हैं, बालों में तेल नहीं लगाते हैं, तो आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा रूखे हो जाएंगे, बालों का झड़ना बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको तेल लगाना मस्ट है। भले आप कम अमाउंट में ही, कम मात्रा में आप तेल यूज कीजिए, बट लगाइए जरूर अपने बालों में तेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नारियल का तेल हम यहाँ पर लिए हैं, इस पर हम अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे। अदरक के बहुत सारे शैम्पू भी मिलने लगे हैं, तेल भी मिलने लगे हैं। अदरक से हमारे बाल मजबूत होते हैं, बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कोई मार्केट से आपको कोई चीज परचेस नहीं करना है, बाई नहीं करना है, सिंपली आपको जो घर में अदरक रखे हुए हैं उसे आपको कद्दूकस कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर हमें डाल देना है। अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल कम हीट पर हम इसे पकाएंगे। लगभग 10 से 15 मिनट अगर हम इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा एंड जितना भी अदरक का प्रॉपर्टी है, जितना भी गुडनेस है, वो इस तेल में आ जाएगा एंड यही गुडनेस हमें अपने बालों पर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे धीरे धीरे मतलब लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही करना है, नहीं चलाएंगे आप इसे तो ये नीचे चिपकने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चिपकने नहीं देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे पकाते जाना है। 10 से 15 मिनट के बाद बिल्कुल ये अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा। अदरक में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो हमारे बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाते हैं, तो इसे हम डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो प्रॉपर्टी है इस तेल में लेकर के आएंगे, उसके बाद हम इसे अपने बालों पर लगाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बालों का झड़ना तुरंत से कम हो जाएगा, चाहे जितने भी ज्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं। स्कैल्प गंजापन का शिकार हो गया है, मतलब स्कैल्प दिखना शुरू हो गया है, तब भी आप इस तेल को जरूर यूज कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो आप मार्केट से परचेस करके, मतलब मार्केट से खरीद करके आप तेल यूज करते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको इस तेल से मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अदरक, उसके बाद बर्नर ऑफ कर देना है एंड आपको इस तेल को छान लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो ये तेल तो जमेगा नहीं, इसलिए आप ठंडा होने के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। एंड लोहे का बर्तन मैं आपको इसलिए लेने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि लोहे का बर्तन में आयरन मौजूद होता है एंड ये आयरन अगर इस तेल में आ गया तो हमारे बालों के लिए सोने पे सुहागा वाला बात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको लोहे का बर्तन में इस तेल को तैयार करना है एंड उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल से हमारे बाल तेजी से लंबे होते हैं और डैमेज हो चुके बाल वापस रिपेयर हो जाते हैं। जिनके भी बाल बीच में से टूटते हैं और बालों को बीच में से टूटने के लिए आप रोकना चाहते हैं, तो विटामिन ई कैप्सूल जरूर यहाँ पर डालिएगा। एंड इस रेमेडी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 से 5 बूंद नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को बहुत ही इजीली हटाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर देंगे एंड इस तेल को अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रिपेयर किए हैं तो आप इस तेल को स्टोर करके रख सकते हैं कोई भी एयर टाइट कंटेनर में एंड उसके बाद अपने बालों को अच्छे से पहले कंघी कीजिए एंड उसके बाद पूरे हेयर लेंथ पर, पूरे हेयर रूट पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाएगा। आप देख सकते हैं मेरे बाल काफी ज्यादा हेल्दी हैं एंड काफी लंबे भी हैं। ये मैं बहुत बार ये तेल यूज कर चुकी हूँ एंड मुझे लगता है आप लोगों को भी एक बार यूज करके देखना चाहिए। आई थिंक ये आपके लिए भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। तो जाइए फिर इस तेल को बनाइए एंड यूज करना शुरू कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, ये जो तेल है इसे आप किसी भी एज के पर्सन को यूज करा सकते हैं, किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। एंड वीक में आप 2 से 3 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन आप इसे जरूर लगाइए। 15 दिन के अंदर ही आप ये नोटिस करेंगे कि आपके बाल तेजी से लंबे भी हो रहे हैं, बालों का झड़ना एकदम ही रुक गया है। ये इतना ज्यादा पावरफुल आपको रिजल्ट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।